हम एक डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका कम्प्लीटली प्रिलिम्स बेस्ड है, और यहाँ पर पाई चार्ट के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको आपको कंपाइल करना है, फिर आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस मॉक का है। एज यूजुअल मैं अभी टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी को पता है रीजनिंग में भी क्लासेस हमारी रेगुलर आ रही हैं, तो आपको थोड़ा फील मिल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट सीरीज में किस लेवल के हैं, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं और आपको खुद समझ में आएगा कि क्या फ्लो है बेसिकली इस तरीके की डीआई का। ओके, और दूसरी चीज एज यूजुअल मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, क्योंकि आप सभी के बाद जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो तभी आ पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा पाई चार्ट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, थोड़ा स्क्रीन जो है मैं साइज ज़रा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइड में करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाउन्स, यहाँ पर कुछ टाउन दिए गए हैं जैसे टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, टाउन डी और टाउन ई। देखो ए के बाद में ये ऑरेंज कलर आ रहा है बी, तो इसका मतलब ए आपका ये वाला हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। ये हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको दिए गए होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, देखो डी येलो पर है तो डी यहाँ पर हमारा आ रहा है, फिर ई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि ये दोनों कलर थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो ए इसको माने इसको माने, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बहुत ही छोटी बात है लेकिन आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाओ, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़कर बता दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि टाउन ए में जो मेल और फीमेल हैं, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 दिया है, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है 5:4 दिया गया है। फिर क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ मेल एडल्ट टू माइनर्स, ठीक है, माइनर वो लोग हो। अब देखो यहाँ पर जो मेल अडल्ट की बात हो रही है और माइनर्स की बात हो रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं एज क्राइटेरिया फिक्स कर दूँ कि 18 साल का जो पर्सन है वो जो है अडल्ट में आ जाएगा और लेस देन 18 है वो माइनर हो जाएगा। जैसे इंडिया में अगर आप वोट डालो, ठीक है, तो माइनर और मेजर आप समझते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर अडल्ट की जो बात हो रही है वो तो वोट देंगे और जो माइनर हैं वो वोट नहीं डालेंगे, ऐसा यहाँ पर होता है। ओके, देखो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी गई है लास्ट में, अगर आप देखोगे कि टाउन ए के चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, सभी अडल्ट दो उम्मीदवारों के लिए वोट करते हैं, मतलब देर आर टू कैंडिडेट, ठीक है, टाउन ए में दो कैंडिडेट हैं और जितने भी अडल्ट हैं वो वोट डालेंगे, माइनर्स वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, आप खुद देखो, फीमेल अडल्ट टू माइनर का और मेल अडल्ट टू माइनर का। अब इस डेटा को कंपाइल करना है, समझना है, तभी तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको एक एक लाइन समझाता हुआ चलूँगा। ओके, सो लेट्स गो हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ये समझते हैं टाउन ए की बात है और रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल कितना है, 5:4। ओके, तो अभी आप एज्यूम कर लो कि टाउन ए की जो पॉपुलेशन है वो एक्स आप मान लो। मैंने मान लिया कि जो टाउन ए है हमारा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो हमारी है एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 5:4, मतलब टाउन ए में मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 5:4। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ मेल एडल्ट टू माइनर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया ना माइनर वोट नहीं डालेंगे लेकिन मेल एडल्ट वोट डालेंगे और फीमेल एडल्ट वोट डालेंगे, ठीक है। अब देखो जो मेल और फीमेल होंगे इसमें अडल्ट भी हैं और माइनर्स भी हैं, तो यहाँ पर तीन सेक्शन बनेंगे आपका, पहला मेल फीमेल का बन गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, द रेशियो ऑफ मेल एडल्ट टू माइनर, ठीक है, देखो मेल एडल्ट टू माइनर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दिया है, ये हमें दिया गया है 4:1। यहाँ पर क्या कहा गया है, फीमेल अडल्ट टू माइनर, ठीक है, फीमेल अडल्ट टू फीमेल माइनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 3:1। ओके, तो अब क्वेश्चन को यहाँ पर रख लो। ओके, अब आप सीधी सी बात ये समझना कि जब वोट डाले जा रहे हैं तो वहाँ पर माइनर का कोई भी रोल नहीं है, केवल मेल अडल्ट वोट डालेंगे, ठीक है। ये वाला आपको पोर्शन पिक करना है, ये फीमेल का पिक करना होगा, ठीक है। टोटल हम इसी मेल और फीमेल से निकालेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले इसके बाद वाली लाइन यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि इन एन इलेक्शन टाउन ए देर आर टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं,
एंड ऑल अडल्ट आर वोट फॉर द टू कैंडिडेट, ठीक है, माइनर नॉट एलिजिबल. फिर कहा है द विनर कैंडिडेट रिसीव्ड 1000 वोट्स, ठीक है, जो विनर कैंडिडेट है उसको 1000 वोट मिलते हैं और वो 250 वोटों से जीत जाता है. ओके, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि जो विनर कैंडिडेट है और एक हारने वाला कैंडिडेट होगा लूजर कैंडिडेट, ठीक है, तो विनर को 1000 वोट मिल गए और ये जो विनर है 250 वोटों से जीत गया, तो ऑब्वियसली इसको वोट कितने मिले, 750, ठीक है. ये सीधा सीधा समझना है कि जब 250 वोट से जीत रहा है तो इस बंदे को अगर 1000 वोट मिले हैं तो ऑब्वियसली इससे 250 कम कर दो तो ये जो हारने वाला, ठीक है, जो रनर अप होगा उसको इतने वोट मिले होंगे. ओके, तो यहाँ पर फीमेल एडल्ट्स कितने हो जाएंगे हमारे, ये देखो 3:1 में है तो 3 out of 4 हो गया ये. और किसका होगा, फीमेल्स का ही तो होगा. फीमेल किस रेशियो में दिए हैं, देखो ये 4:1 में दिए तो 4/9, 4/9 और टोटल पॉपुलेशन कितनी एक्स, ठीक है, यहाँ से आप देखो 4 से 4 कट गया है, 3 से 3 टाइम्स जाएगा तो ये कितना बचेगा x/3, इतने आ गए फीमेल अडल्ट. इसी तरीके से आप मेल अडल्ट को निकाल दोगे. देखो मेल अडल्ट भी इसी फॉर्मेट में निकलेंगे. देखो ये कितने दिए हैं, मेल अडल्ट टू माइनर 4:1 बन दिया है तो ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू मेल कितने दिए हैं, ये हो जाएंगे 5/9 में और टोटल पॉपुलेशन कितनी एक्स, 5 से 5 कट गया, ये कितना बचा 4/9 ऑफ एक्स, ठीक है, मेल अडल्ट आ गए. अब आप यहाँ पर ये देखना कि जब वोट डाले गए तो क्या है कि मेल अडल्ट और फीमेल अडल्ट इन दोनों ने वोट डाले, तो यहाँ पर सीधी सी इक्वेशन आपकी एक लाइन में बन जाएगी, ये x/3 इस वाली टर्म को और इस वाले टर्म को, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो गया x/3 प्लस 4/9 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. देखो विनर को 1000 वोट मिले, लूजर को 750 वोट मिले, ये हमें पता कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है, अडल्ट का है, मेल अडल्ट और फीमेल अडल्ट का, तो टोटल कितने वोट डाले गए, ये हो गए 1750 वोट डाले गए, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 1750 के बराबर. ओके, अब देखो कितना कितना हो जाएगा, 9 अगर एलसीएम लोगे 3 से 3 टाइम्स तो ये हुआ 3x, ये हुआ 1 टाइम 4x इज इक्वल्स टू 1750, तो यहाँ पर कितना बचा 3 और 4 7x और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो कितना है 1750 इंटू यहाँ पर हमारा 9, देखो 7 से ये कितने बार कटेगा, 7 से 2 बार, 35 5 बार, तो ये देखो 250 इंटू 9 कितना हुआ 225, 0 यहाँ पर आ गया, तो मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई. अब x मैंने क्या माना था, मैंने x स्टार्टिंग में टोटल पॉपुलेशन a की मानी थी, तो मुझे a की टोटल पॉपुलेशन मिल गई, वो कितनी आ गई मेरी 2250. ओके, तो सीधी सी बात है आपको a में पता चल गया 2250, तो आप इस टोटल पाई चार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल दोगे. कैसे निकालोगे, देखो टोटल वैल्यू आप इस तरीके से निकालोगे, 25% जो है ये किसके बराबर हो गया 2250 के, तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2250/25, तो इसी तरीके से अगर मैं 100 की बात करूँ तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो देखो 25 से 4 बार गया, देखो 2250 है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2000 के 4 से करोगे 8000 आएगा, 250 के 4 से करोगे 1000 आएगा, 8+1 9000 आ गया, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन आ गई 9000 आ गई, इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 9000 हो गई. ओके, अब सबके रेशियो निकाल सकते हो, देखो ये 20% हो जाएगा किसका 9000 का, ये 15% 9000 का, 10% 9000 का और 30% 9000 का, 9000 का, ठीक है, ये डेटा हम एक एक करके यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो अभी आपने देखा टोटल x की वैल्यू, तो a के x की वैल्यू हमने 2250 निकाल दी थी, टोटल हमारा कितना आ गया 9000. ओके, तो यहाँ पर ये 25% है, ये तो अभी हमने निकाला ना, 2250 आ ही गया है हमारा ये टाउन ए. अब देखो 20% निकालोगे इसका कितना आ जाएगा 1800, 15 निकालोगे तो 15 × 9 135 होता है तो 1350 आ गया, 10 निकालोगे 10% तो 9900 आ जाएगा और 30 निकालोगे तो 9 × 3 2700 आ गया. ओके, अब बस यही है क्वेश्चन में, अब इसके ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है. पहला क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, इसमें कहा गया कि टाउन ई से वे व्यक्ति जो वोट दे सकते हैं और जो वोट नहीं दे सकते उनका रेशियो 4:1 के अनुपात में है और 40% लोग जो वोट दे सकते हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला, जब 40% वोट दे सकते थे उन्होंने वोट नहीं डाला तो 60% ने डाला ऑब्वियसली, ठीक है, तो पूछा है कि टाउन ई से वोट डालने वालों की संख्या ज्ञात करो, तो 60% आपको यहाँ पर निकालना है, मतलब द रेशियो ऑफ द पीपल
हु आर एलिजिबल टू वोट एंड हु आर नॉट एलिजिबल टू वोट, दैट इज 4:1, ओके, एंड 40% पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट डजन कास्ट देयर वोट, ओके, तो रिमेनिंग आर 60%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ई में कितने लोग हैं, 2700 लोग हैं, ध्यान से देखना, ई में 2700 की पॉपुलेशन है आपकी, और यहाँ पर आपको रेशियो दिया है कि जो लोग वोट डाल सकते हैं और जो लोग वोट जो है नॉट एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट, ये कितने कितने दिए गए, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पर देखो, जो वोट डाल सकते हैं वो 4:1 में, और जो वोट नहीं डाल सकते हैं वो 1:1 में। एक बात और कहिए कि 40% लोग जो वोट दे सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग आने चाहिए थे, 40% लोग जो वोट दे सकते थे उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला, 60% लोगों ने ही वोट डाला, ओके। तो अगर आप इस वोट डालने वाले लोगों की संख्या निकालोगे तो आप क्या करोगे, 4/5, ठीक है, टोटल तो आपका ये 5:1 ही बनेगा, तो वोट डालने वालों की संख्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू किसका, 2700, ठीक है। अब यहाँ पर 60% लोगों ने ही वोट डाला, क्योंकि 40% लोगों ने तो वोट डाला नहीं, तो 60%, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट अल्टीमेटली करनी है, ओके। तो यहाँ पर 2-0 से ये 2-0 ख़त्म हो गए, 5 से ये 12 बार हो गए। अब देखो 12 × 27 कर लो, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 12 × 4 करोगे फिर 27 से करोगे थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 12 × 27 पहले मैं कर ले रहा हूँ, 12 × 7 = 84 हुआ, 4 आएगा 8/8, 12 × 2 = 24 और 8 = 32, 324 × 4, ओके, 24 × 4 कितने होते हैं, 96 होते हैं, 3 × 4 होते हैं 1200, तो 1296 हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, ओके। आई होप ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। यार ये तो क्वेश्चन वन लाइनर है, देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, मतलब टाउन ए की जो जनसंख्या है और टाउन बी की जो जनसंख्या है इनके बीच का अंतर निकालो, तो सीधा सीधा 2250 और 1800, कमेंट करो आप लोग भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे बताओ क्या आया, ओके, इसका डिफरेंस निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि टाउन ई से वे व्यक्ति जो वोट दे सकते हैं और जो वोट नहीं दे सकते क्रमशः, ये तो अभी क्वेश्चन हमने कर लिया, ये रिपीट हो गया आई थिंक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, ठीक है, टाउन सी की जो जनसंख्या है टाउन बी की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन तो इजी है, इसमें क्या कह रहा है कि टाउन सी की जो जनसंख्या है, मतलब पहले टाउन सी को ऊपर रख दो, 1350 को ऊपर रख दो, और टाउन बी इसको नीचे रख दो, ठीक है, क्योंकि इसी वाली वैल्यू का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कर दो। देखो ये 2-0 से 2-0 ख़त्म हो गए, अब देखो 18 से क्या जाएगा, ये 18 से 18 × 95, 18 × 108, 18 × 8 = 126, ठीक है, तो यहाँ पर 9 × 90 हो गया, 5 बार जा रहा है, तो ये कितना आ गया, ये 7 बार था, 18 × 95, 18 × 108, 18 × 7 = 126 होता है, ठीक है, तो ये 75% हमारा यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा, ओके। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, आपका बी सी और डी की जो औसत संख्या है इसको आप ज्ञात करो, फाइंड द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी सी डी टुगेदर। तो बी सी डी की अगर आप एक साथ इनकी संख्या निकालोगे, एवरेज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, बी सी डी मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर देना है। ये सेल्फ क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसमें कुछ नहीं करना, ओके। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके भी ले जाएगा, आप लोग अगर मेरे साथ पेन पेपर से सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन स्टेप भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि टाउन ए और टाउन बी के अडल्ट व्यक्तियों का अनुपात जो है 7:5 है, मतलब रेशियो ऑफ अडल्ट पीपल फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी दैट इज 7:5, मतलब ए और टाउन बी इसमें जो अडल्ट्स हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही जिन्होंने वोट डाले थे, ध्यान रख लेना अभी मैंने बात की थी, जो तो विनर और लूज़र था, तो जो टोटल वोट थे, ठीक है, उसमें केवल अडल्ट का ही पार्टिसिपेशन था, इतना माइंड सेट कर लो। तो यहाँ पर कहा गया है ये जो है 7:5 में है, तो अगर मैं टाउन ए की तरफ थोड़ा सा मूव करूं तो आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा, जो टाउन ए है
इसमें टोटल कितने वोट डाले गए? विनर को 1000 मिले थे और जो लूज़र था उसको 750 मिले थे, जो हारा था। तो टोटल वोट कितने हुए थे? ये हुए थे 1750 टाउन ए में। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ अडल्ट पीपल फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, दैट इज 7:5। तो यहाँ पर ये जो 7 रेशियो है, ओके, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 1750 है, क्योंकि टाउन ए में अडल्ट ने ही वोट डाला था। मेल और फीमेल इसमें आते हैं, ठीक है, मेल प्लस फीमेल। ओके, तो यहाँ पर हमें 7 रेशियो की वैल्यू दी है 1750, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो, 7 से 2 बार और फिर ये 3 35 हुआ, 7 से 5 बार, 1 की वैल्यू 250 आ गई। तो 5 की कितनी आ जाएगी? 5 × 250 हो जाएगी। ये कितना आ गया? 1250 आपकी वैल्यू आ गई। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने इतना डेटा निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि टाउन बी के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, सभी लोग अडल्ट जो हैं वो चुनाव में वोट डालते हैं, जो माइनर है वो वोट नहीं दे सकते, तो उनकी हम बात भी यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि विजेता उम्मीदवार 250 मतों से जीत जाता है, ओके, तो टाउन बी में जो रनर अप है उसको वोट बताओ कितने मिले। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विनर है, जो विजेता है, वो कितने वोटों से जीत रहा है? 250 वोटों से जीत जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, देखो इसमें एक कंडीशन यहाँ पर आप बना सकते हो कि यदि विजेता उम्मीदवार 250 मतों से जीता तो टाउन बी में रनर अप जो हारने वाला है उम्मीदवार उसको कितने मत यहाँ पर मिले, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आप ये मान लो कि जो रनर अप है, ठीक है, जो हार रहा है उसको अगर एक्स वोट मिले, तो ध्यान रख लो, अगर जो रनर अप है, रनर अप जो हारने वाला है इसको अगर एक्स मिले, तो जो विनर होगा इसको कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 250 ही तो मिले होंगे। क्यों? क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार 250 मतों से जीतता है, तो जो हारने वाले के वोट होंगे उसमें 250 आप ऐड कर दो तो ये विनर के वोट आ जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि टाउन बी में जो टोटल अडल्ट है वोट कितने डालते हैं? 1250 डालते हैं। ये चीज़ अभी हमने 5 रेशियो में अडल्ट दिए, तो ये वैल्यू अभी हमने निकाल दी। तो आप देखो, टोटल लोगों जिन्होंने वोट डाला, वोट किसके किसने डाला? एक तो जो रनर अप आए होंगे उसके वोट होंगे, और जो विनर होंगे इनके वोट होंगे। ये टोटल मिलाकर अडल्ट के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 2x की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आ गई? 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 500। ठीक है, मतलब x हमने किसको माना था? रनर अप। ठीक है, रनर अप, ये वोट आ गए हमारे 500। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि रनर अप हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या निकालो, यही वैल्यू पूछी थी। तो ये आंसर कितना आ गया? ये आपका आ गया 500। सीधा सीधा आंसर है, इस फॉर्मेट में निकल कर आ जाएगा। ओके, और जो विनर होगा वो कितना है? 500 प्लस 200, ये हो जाएगा विनर वाला 750। ठीक है, तो जो डेटा दिया था उससे हमारा इस फॉर्मेट में निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाएँ तो आपको इस फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि टाउन डी में जो पुरुष की संख्या है वो टाउन ए में महिलाओं की संख्याओं से 50% से कम है। तो टाउन डी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको पता करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन डी इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टाउन ए। मतलब टाउन डी का रिलेशन ए के साथ में मिलाकर दिखा रहा है और पूछ क्या रहा है कि रेशियो बताओ मेल और फीमेल का टाउन डी में। तो बड़ा क्वेश्चन आसान है आपको लग रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ मेल इन टाउन डी इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टाउन ए। तो टाउन ए की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देखो लोग कितने हैं, लोग हैं 2250। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा जाओ और उसमें हमें मेल और फीमेल का एक दिया गया था रेशियो। ठीक है, टाउन ए का मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया था 5:4 का, 5:4 का रेशियो दिया गया था। ठीक है, ये आप सभी को याद होगा। तो हमसे इसमें क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स जो होंगे किसमें? डी में। ठीक है, वो क्या है? 50% लेस देन है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, टाउन ए। तो यहां पर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल कितने हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे 4/9 × 2250।
50, ठीक है, ये आप वैल्यू निकाल दो, और इस वैल्यू का क्या करना है, नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन इज 50% लेस देन, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसका आप हाफ कर दो, तो अगर आप हाफ कर दोगे तब भी आपका ये वाला सेगमेंट सॉल्व हो जाएगा। 9 से अगर आप इसको काट दो, 9 से 2 बार और 4 बचा 45 हुआ 5 बार, ठीक है, 25 × 100, ये 25 × 4 ये हुआ आपका 1000, ठीक है, 1000 का आप हाफ कर दो तो ये कितने हो गए 500। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेल कितने आ गए, मेल मुझे पता चल गए टाउन डी में कितनी संख्या आ गई 500। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मेल और फीमेल का बताओ। देखो टाउन डी आपका ये रहा टोटल, इसमें 900 लोग हैं, टोटल कितने 900 लोग हैं, जिसमें मेल हैं 500 तो फीमेल कितने बचे 400, कॉमन सेंस, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 का मेल इज टू फीमेल का रेशियो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, ओके और ये आज की डीआई थी, थोड़ा सा प्रिलिम्स लेवल टच जरूर कर रहा है लेकिन कंसेप्चुअल भी है, ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप थोड़े से कंसेप्चुअल वे के क्वेश्चंस बनाओ, और मैं आपको 3 डीआई आपको और कराऊंगा, उसमें मैं क्या बताऊंगा, एक तो आपका बार ग्राफ का बताना है, एक क्वेश्चन जिसमें टोटल दिया होता है और परसेंटेज एक का दिया होता है मेल का फीमेल की वैल्यू या फिर दी होती है, एक वैसा क्वेश्चन होता है जो आपने देखा आईडीबीआई में भी आया, और उससे पहले आपका और भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वही चीज़ पूछी गई थी, एलआईसी के एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको जो जो कराया, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो उस क्वेश्चन की, जिनको नहीं आता वो लोग ज़रूर सीखें इस चैनल पर, ओके और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तो आप लोग क्या करें प्रैक्टिस मॉक के और भी टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करें, और आपको लेवल पता चल जाएगा एग्जाम्स का कैसा आता है, टाइम स्लॉट बेस्ड प्रैक्टिस भी है तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्विजेज दो, इनका एप्लीकेशन है एंड्रॉयड का, आप उसको भी जो है इंस्टॉल कर लो, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके जो भी कमेंट्स हो जरूर दें, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी अपने अच्छे कमेंट ज़रूर दें, और जो भी फीडबैक हो वीडियो के अकॉर्डिंग आप उसको दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे।